महोबा जिले में मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे कांग्रेस पार्टी के दल को आज पुलिस ने केडारी फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया। यह दल प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन पर आज मृतक व्यापारी के परिजनों से मुलाकात कर अपनी रिपोर्ट अपने पार्टी हाईकमान को भेजने के लिए जा रहा था। कबरई के चर्चित विस्फोटक एवं क्रैशर कारोबारी मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। हर राजनीतिक दल व्यापारी के परिजनों को सांत्वना देने और उनके साथ हर कीमत पर न्याय दिलाने के लिए आगे जा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष तुलसीदास लोधी, पूर्व MLC जयवंत सिंह, केशव बाबू शिवहरे, प्रदेश महासचिव निर्दोष दीक्षित, पार्टी के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देशन पर मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर आ रहे थे। तभी किडारी फाटक के पास पुलिस द्वारा उन्होंने गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में बंद कर दिया है। हम लोग कबरई जा रहे थे, जो इंद्रकांत त्रिपाठी जी की हत्या हो गई है उनके परिवार से मिलने जा रहे थे। यहाँ केवारी फाटक पे हम लोगों को रोक दिया गया है। ये योगी की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। पुलिस को आगे जे करते हैं, हम लोगों को वहाँ जाने नहीं देते हैं। हमको कारण बताया जाए कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। हमको बताया जाए कि तुमको इसलिए रोका गया है, ये अत्याचार है, अन्याय है। अगर एक पीड़ित परिवार से कोई मिलने जा रहा है तो मिलने नहीं दिया जा रहा है, बहुत घोर अन्याय है। मोदी जी का कहना था कि और हमारी सरकार बनी है और यहाँ से गुंडे लफंगे सब लोग भग गए, प्लान कर गए हैं, लेकिन जो वारदाताएं हो कहाँ से रही हैं? कहाँ से जो गुंडे आते हैं, जो लफंगे कहाँ से आते हैं, कहाँ से जो वारदातें हो जाती हैं? आज दिन प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कहाँ गए भैया जो योगी जी के और मोदी जी के अच्छे दिन? आप लोग किसके निर्देश पर जा रहे थे? हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर, प्रियंका गांधी के निर्देश पर जा रहे थे। लोगों का डेलीगेशन? जी डेलीगेशन हमारा 40-50 लोगों का होगा। लेकिन प्रदीप जैन जी को वहाँ गिरफ्तार कर लिया है। हमारे कानपुर से जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा था उनको वहीं घाटमपुर कानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। काशी गिरफ्तार कर लिया है। चतुर्वेदी जी को, मंत्री जी को जो है झांसी मामला। ये जो है केसर व्यापारी श्री इंद्रजीत त्रिपाठी थी, उन्हीं की जो हत्या हुई थी, उन्हीं के जो है परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे थे, उसी के संबंध में इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनको जो है वहाँ श्रीनगर में अस्थायी जेल बनाई गई है, वहीं ले जाया जाएगा। कितने लोगों को हिरासत में है? करीब है 30-40 लोग करीब। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।